बेटा हम 8वीं क्लास का अध्याय 9 दी अभ्यास 9.2 शुरू करन जा रहे हैं। ध्यान नाल देखो, हेठां लिखे एक पदी जोड़ियां दा गुणनफल पता करना है। बेटा एक पदी मोनोमियल्स देखो, अभी एक पदी है, अभी एक पदी है, असी इन्हां दा गुणनफल पता करना है। 4 नूं असी गुणा करनी है 7p नाल। तुसीं किद्दां गुणा करनी है? हिसाब वाले अक्षर वखरे कर दिया करो, ते इंग्लिश वाले अक्षर नूं वखरे कर दिया करो। 7 × 4 = 28 नाल किया पी आंसर है ना चौका। एक होर देखो, हुण असी -4p नूं गुणा करांगे 7p दे नाल। कि दसिया तुहानू मैं, हिसाब वाले अखर वखरे कर दिया करो, गुणाकां नूं वखरा करता, तो फिर की है साडे कोल पी गुणा पी। 7 × 4 = 28 नाल की साइन लगा माइनस का। हुण देखो बेटा, जदों गुणा करते हैं ना, तुहानू दस्सिया सी मैं जो तुहानू 12वां चैप्टर कराया सीगा जां छोटी क्लासां दे विच वी तुसीं पढ़िया कि जदों गुणा करते हैं तां घातां जोड़दियां। बेटा हुण पी की घात 1 गुणा पी की घात 1 टोटल होगी पी की घात 2। ध्यान रखियो, जदों असीं गुणा करते हाँ तो इंग्लिश वाले अक्षर जिहड़े हुंदे ने उन्हां दी घातां जिहड़ियां वधदियां ने जे सेम हैगियां। एक होर सवाल दिखाना तुहानू, जिवें -4p नूं असीं गुणा करना है 7pq दे नाल। फिर उही हिसाब वाले अखर असी वक्रे कर ले, हुण की आ गया पी गुणा क्यू। 7 × 4 = 28 वो तो -28 आ गया। हुण पी ते पी समान पद ने, इन्हां दी गुणा करनी है तो इन्हां दी घातां नूं जोड़ना होएगा। पी दी घात 2 हो जाएगी लेकिन क्यू कला ही रहेगा। ठीक है ना बेटा, हुण आपां चौथा उपाय करन लगे हां। 4p की घात 3 नूं असीं गुणा करना है -3p दे नाल। जिवें कि तुहानूं समझाया कि गुणाकां नूं वखरे कर दिओ, 4 नूं असीं गुणा करना है -3 दे नाल, फिर पी की घात 3 नूं गुणा करना है पी की घात कुछ ना होवे तां 1 दे नाल। 4 × 3 = 12 नाल माइनस लगेगा, तो पी की घात हो गई 3 × 1 = 4। हुण समझ लग रही बेटा किस तरीके नाल असीं घातां नूं जोड़ना है। अगला भाग देखो, 4p नूं असीं गुणा करना है 0 नाल। 0 नाल बेटा किसे नूं भी गुणा करो, सारा आंसर 0 बन जाता है, इस करके सोचण दी लोड़ नहीं है। 0 नाल किसी भी रकम नूं, चाहे इंग्लिश वाले चाहे हिसाब वाले, किसी भी अक्षर नूं गुणा करिए तां आंसर 0 आ जाता है। हुण दूजा सवाल देखो, कहिंदा हेठ लिखे एक पदी जोड़ियां दे रूप विच लंबाई अती चौड़ाई रखने वाले आयतों का खेत्रफल पता करो। फाइंड द एरिया ऑफ रैक्टेंगल। हुण तुहानूं पता है कि आयत का खेत्रफल हुंदा लंबाई गुणा चौड़ाई। हुण देखो इहदा मतलब की होया कि यह तुहाडी लंबाई है, यह तुहाडी चौड़ाई है। मैं देखो लंबाई पी चौड़ाई क्यू, खेत्रफल हुंदा लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब पी ते क्यू दी गुणा, पी गुणा क्यू। पी ते क्यू गुणा नहीं हो सकते, इस करके पी ते क्यू इकट्ठे लिख ले गए ने, नाल लिखदा है वर्ग इकाई। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे लेंथ एल बराबर पी, ब्रैथ द बी बराबर क्यू है, एरिया का फॉर्मूला एल गुणा बी हुंदा है, तो पी ते क्यू दी गुणा पी क्यू स्केयर यूनिट। इस तरह मैं पंजाबी वाले बच्चे ते इंग्लिश वाले बच्चे लिए दोनों लिए वखरा वखरा लिखा है। दूजे भाग में देखो, लंबाई साडे कोल है 10 m, चौड़ाई है 5 n, खेत्रफल तुहानू चंगी तरह याद हो चुका है, लंबाई गुणा चौड़ाई 10 m गुणा 5 n। हुण मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि मैथ वाले अखर नूं मैथ वाले अखर नाल गुणा कर दिया करो, 10 × 5 = 50, तो इंग्लिश वाले अखर तो इंग्लिश वाले अखर नूं इकट्ठा लिख दिया करो, 50 mn वर्ग इकाइयां। सेम इसी तरह इंग्लिश वाला बच्चा 50 mn स्क्वेयर यूनिट कढ़ेगा। तीजे भाग दे विच देखो, सानूं लंबाई दित्ती गई है vx दी 2, चौड़ाई 5y दी 2, खेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई vx दी 2 दी गुणा 5y दी 2 नाल। वी नूं असीं गुणा करना है 5 नाल, 20 × 5 = 100, एक्स दी का 2 वक्रा है, वाई दी का 2 वक्रा है, वर्ग इकाइयां। सेम इसी तरह ही इंग्लिश वाले बच्चे ने
चौथे सवाल दे देखो, लंबाई साढ़े को 4x है, तो चौड़ाई साढ़े को 3x की 2 है। खेत्रफल दफा हमने लंबाई गुना चौड़ाई, हूँ लंबाई थोड़े को है 4x की घात कुछ ना हो तो 1, तो 3x की घात 2। 4 से 3 गुणा किया, 4 ती 12। हूँ देखो इतने समान पद आ गए, समान पद का मतलब हो गया देखो एक्स वेरीएबल सेम है ना, इतने भी एक्स है, इतने भी एक्स है। हूँ जो थोड़े को आधार सेम हो गुणा में घातं जुड़दिया ने, तो एक्स की घात 1 तो एक्स की घात 2 जोड़ के एक्स की घात 3 हो गई बेटा, 12 एक्स की घात 3 वर्ग इकाइया। इस तरह से इंग्लिश मीडियम के लिखा है। पंजवें भाग से देखो बेटा, लंबाई है 3 mm, चौड़ाई है 4 npi, से लिख लिया है क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी लिख लिया है, लंबाई गुणा चौड़ाई 3 mm गुणा करेंगे 4 npi ना, 4 × 3 = 12। हूँ एम कला है, कला ही रहेगा, एन इतने भी घात 1 है, इतने भी घात 1 है, तो एन की घात 2 हो गई नाल पी। ये तुहाडे कोल पंजवें भाग का भी आंसर आ चुका है, 12 mn/2 pi वर्ग इकाइयां। तो उम्मीद करांगा कि तुहानू दूजा सवाल चंगी तरह समझ आया होगा, किस तरह असी आयत का खेत्रफल पता किया है जो कि लंबाई चौड़ाई सानू दित्तियां सन। हुण आपां तीजे सवाल करांगे, ध्यान दिखियो। तीजे सवाल च कहिंदा है बेटा देखो, गुणनफलां दी सारणी नू पूरा करो। आ पहली एक पदी है, ये दूसरी एक पदी है, फर्स्ट मोनोमियल सेकेंड मोनोमियल। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਥ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਮੈਥ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 × 4 ਅਤੇ ਐਕਸ ਅਤੇ ਐਕਸ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਐਕਸ ਦੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ 2। ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, 5 × 10 ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਮਾਈਨਸ ਅਤੇ 10 ਆ ਗਏ ਬੇਟਾ। ਫਿਰ ਐਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਈ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਕਸ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵਾਈ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਸੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 2x ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, 2 × 3 = 6, ਅਤੇ ਐਕਸ ਇੱਥੇ 1 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੈ, ਟੋਟਲ ਐਕਸ ਦੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, 3। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਦੇਖੋ, 2x ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ 4xy ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਨਾਲ, 8 ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਦੀ ਘਾਤ 1 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਹੈ, ਅਤੇ ਐਕਸ ਦੀ ਘਾਤ ਹੋ ਗਈ 2 ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਵਾਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2x ਨਾਲ ਲੈਣ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ 2x ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਦ ਰਹੇ 2x ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 2x ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਾ ਕਰਤੀ ਹੈ 2x ਨਾਲ, ਗੁਣਾ 2x ਗੁਣਾ 2x। ਹੁਣ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 7 × 2 = 14, ਐਕਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 2 ਅਤੇ 1 3 ਅਤੇ ਵਾਈ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ 9 × 18, ਉਹ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਦੇ, ਐਕਸ ਦੀ 2 ਅਤੇ 1 ਐਕਸ ਦੀ 3 ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੀ ਘਾਤ 2। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2x ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5y ਨਾਲ, 5y ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ -5y ਲਿਖ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 5 × 10 ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਐਕਸ ਵੱਖਰਾ ਵਾਈ ਵੱਖਰਾ, 5 × 5 = 25, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ, ਵਾਈ ਅਤੇ ਵਾਈ ਮਿਲ ਗਏ, ਵਾਈ ਦੀ ਘਾਤ 2, 5 × 15 ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ, ਐਕਸ ਦੀ ਘਾਤ 2 ਅਤੇ ਵਾਈ, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟੇ ਗਏ, 5 × 4 = 20, ਐਕਸ ਇਕੱਲਾ ਆ, ਵਾਈ 2 ਹੋ ਗਏ, ਵਾਈ ਦੀ ਘਾਤ 2, 7 × 5 = 35 ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਨੇ, ਵਾਈ ਵੀ 2 ਨੇ, ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 2 ਘਾਤ ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 2 ਘਾਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ, 9 × 5 = 45, ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ 2 ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 5y ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3x ਦੀ ਘਾਤ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, 3x ਦੀ 2 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, 3 × 6, ਅਤੇ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਅਤੇ 1 3, 5 × 15 ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਅਤੇ ਵਾਈ, 3 × 3 = 9, ਐਕਸ ਦੀ ਘਾਤ 4।
चार ती है 12, वह भी माइनस का, एक्स के उपर दो एक तीन घात, तो वाई कला 21, एक्स के उपर चार ते वाई कला, तो हम आप नौ ती है 27, वह भी माइनस का 27 आ गया, एक्स के उपर चार ते वाई के उपर दो। इस तरह साड़ी ये वाली भाग भी कंप्लीट हो गई है। हूँ आप माइनस चार एक्स वाई ने गुणा करनी है, असं माइनस चार एक्स वाई देखो लिख लिया है। हूँ देखो चार दूनी अठ नाल माइनस लगेगा, एक्स ते एक्स एक्स की घात दो ते वाई, ठीक है ना बेटा। माइनस माइनस कट्टे गए, पंजू चौका वी, एक्स कला है वाई की घात दो, हूँ देखो तुसी चार ती है 12 नाल माइनस लगेगा, एक्स ते एक्स की घात दो ते एक्स एक्स की घात तीन वाई कला, माइनस माइनस कट्टे गए, चार चुके 16, एक्स ते एक्स एक्स की घात दो वाई ते वाई वाई की घात भी दो। इस तो बाद आता साढ़े को सत्तू चौका बेटा 28, वो भी माइनस का, एक्स ते एक्स की घात दो, एक्स की घात तीन हो गई ते वाई की घात दो। अगले भाग के भी साढ़े को आ गया है माइनस माइनस कटे गए, 9 चौका 36, एक्स की घात तीन वाई की घात भी तीन। तो इस तरह साड़ी ये लाइन भी कंप्लीट हो गई है। हुण असी गुणा करनी है 7 एक्स की 2 वाई नाल, बेटा देखो 7 एक्स की 2 वाई लिख लिया है, 7 दूनी 14, एक्स ते एक्स की घात दो तीन, एक्स की घात तीन हो गई वाई कला, 7 पंजे 35 हुई माइनस दे, एक्स की घात दो है कला ही है ते वाई की घात भी एक ते एक दो हो गई। हुण है साडे कोल 7 तिया 21, एक्स की घात दो, एक्स की घात दो मिलके एक्स की घात चार ते वाई कला, हुण है 7 चौका 28 हुई माइनस दा, एक्स की घात दो ते एक एक्स की तीन घात हो गई ते वाई दे उपर घात आ गई दो, 7 सत्ता 49, एक्स की दो चार हो गई ते वाई की घात दो हो गई, 7 नाम 63 वह भी माइनस दा, एक्स के उत्ते घात चार चली गई ते वाई के उत्ते घात तीन आ गई बेटा। इस तरह साड़ी ये वाली गुणा भी कंप्लीट हो गई है। हुण असी गुणा करांगे माइनस 9 एक्स की 2 वाई की 2 दे नाल। हुण देखो बेटा मैं माइनस 9 एक्स की 2 वाई की 2 लिख लिया है, 9 दूनी 18 हुई माइनस दा, एक्स की घात 3 ते वाई की 2, माइनस माइनस प्लस 9 पंजा 45, एक्स की घात दो ते वाई की घात तीन हो जाएगी। बहुत सौखे तरीके ने समझा रहे हैं बेटा, ध्यान देखना, बस बस गुणा करनी है। माइनस 9 ती 27, हूँ एक्स इधर दो है, इधर दो है, चार हो गए, घात विच लिखना बेटा, घातां वधानियां ने, 9 चौका 36 माइनस माइनस प्लस, एक्स की दो ते एक एक्स होर हो गया तीन ते वाई दी दी भी तीन हो गई। हुण देखो 9 7 63 माइनस दे 63, एक्स चार हो गए वाई तीन, माइनस माइनस प्लस 9 आए 81, एक्स हो गए दो तो चार वाई भी चार। तो इस तरह बेटा साड़ी गुणा का जो टेबल है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करांगा कि तुहानू चंगी तरह समझ आया होगा किस तरह से गुणा कंप्लीट किया है। जेकर मेरी वीडियो वधिया लगी हो, तुहानू मेरा किराया समझ आ रहा है, तो जरूर इसनू लाइक करिया करो, जरूर कमेंट करो, तो मेरे चैनल सबसक्राइब करना ना भुल्यो।